जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश टेक न्यूज़ के इस तीसरे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बताएंगे कि पूरे हफ्ते में क्या टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर है वो जो निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपने डिवाइस में चैट जीपीटी को यूज करना बंद कर दिया है। सैमसंग ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ये एक लीक है कि सैमसंग के डिवाइस में चैट जीपीटी वर्क नहीं कर पा रहा है। भाई एक दुख भरी खबर है। 5G का अब अनलिमिटेड जो पैक होता है उसका यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि VI ने TRAI से इसकी शिकायत कर दी है कि एयरटेल और जियो अपने 5G का अनलिमिटेड यूज दे रहे हैं। तो इसके लिए TRAI ने उन पर प्रतिबंध लगाने का नियम बना रहे हैं कि अब 5G का आप अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बुरी बात है कि अब 5G आएगा, 5G का अनलिमिटेड आप यूज नहीं करेंगे। ये कौन सा मायने हुआ यार, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, 5G अनलिमिटेड रहेगा कि नहीं रहेगा, आगे वाले न्यूज में हम आपको जरूर बताएंगे। भाई आपने कभी ना कभी स्विगी का यूज फूड ऑर्डर करने के लिए तो किया ही होगा, अगर नहीं किया तो कमेंट में बताओ। स्विगी ने अब ये नया नियम लाया है कि जो भी आप फूड ऑर्डर करेंगे उस पर 2 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये जो नियम है बेंगलोर और हैदराबाद के लिए अभी लागू हुआ है। दिल्ली मुंबई में उसके ऐप पर ऐसा कोई नियम देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन स्विगी ने ये बताया है कि जल्द ही हम अलग जगहों पर भी इसको लॉन्च करेंगे 2 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज। इस 2 रुपये के एक्स्ट्रा चार्ज से वे अपनी कोरियर सर्विस को बहुत बढ़िया करेंगे इस 2 रुपये के चार्ज से। भाई भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। गोफर्स्ट एयरलाइन जो थी वो अब बंद हो चुकी है। यह एक ऐसी एयरलाइन थी जो 2000 से 2500 रुपये में आपको सस्ती है, मतलब हर जगह इस देश से दूसरे देश में ले जाने का काम करती थी। वो अब गोफर्स्ट एयरलाइन अब बंद हो चुकी है, इनका बैंक करप्ट हो चुका है। अगर आपने इनका पहले से ही टिकट बुक किया था तो उसका पैसा आप डूबा हुआ मानिए कि आपको वो पैसा मिलेगा ही नहीं। आप कितने भुलक्कड़ हो ना, बताओ भुलक्कड़ हो ना। अरे यार इतना वीडियो देख लिया अभी तक लाइक किए नहीं, भुलक्कड़ हो ना, लाइक करो जल्दी से, आप भी इंटेलिजेंट हो जाओ मेरी तरह। भाई ओला उबर का तो नाम आपने सुना ही होगा। उबर ने एक रिपोर्ट निकाला, उस रिपोर्ट में उसने ये बताया कि किस सिटी के लोग ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं। आपको जाके बहुत बड़ी हैरानी होगी यार कि सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ जो सिटी है वो अपनी दिल्ली है, अपनी राजधानी दिल्ली। दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरे और चौथे पर बेंगलोर और हैदराबाद है। कितने भुलक्कड़ हैं यहाँ। वो उसने ये भी बताया है कि ऊबर की कार में वो लोग अपना TV भूल के चले जाते हैं। अरे यार TV कैसे भूल सकते हो यार, ये कौन सी भूलने वाली चीज़ है। आप भी कमेंट में बताइए कि आप भी ऊबर की कार में क्या क्या भूल चुके हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई अमेजोन ने MX प्लेयर को खरीद लिया है। अब MX प्लेयर अमेजोन का हो चुका है, मतलब अमेजोन ने MX प्लेयर को एकदम पूरे पैसा वैसा रिश्वत दे के, रिश्वत नहीं, उस पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा के उसका ले लिया है सब्सक्रिप्शन। अब MX प्लेयर पर जो भी आप देखेंगे वो अमेजोन ही दिखाएगा आपको। तो टेक न्यूज मेरी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और मेरा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वैसे ही वीडियो उनको भी देख ले। तो चलिए अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।